You're a superhero. कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जिस प्रकार के न्यू सैड स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो अगर आप ये सैड स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट गाइस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो है इस वीडियो का मटेरियल्स डाउनलोड करना। तो ये आप जान लो, क्योंकि अब जो वीडियो में इसी प्रकार से आएगा, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो आपको करना है क्या, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपको दो लिंक मिलेगा, बीटमार्क एंड जो है प्रोजेक्ट लिंक उसका और मटेरियल्स का। तो आपको किस भी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आपको मटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करना है, ओके, इस वाले आइकन पे। फिर आपको नीचे जाना है, देखो ध्यान से देखो, नीचे जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको ये प्रोजेक्ट है, जो भी मटेरियल्स है वो मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको कोई भी टाइम मतलब वेट नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रकार से करना है और आप इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस हम आ जाते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो काइनमास्टर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। बट उससे पहले, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस काइनमास्टर में आने के बाद क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे इंपोर्ट आइकन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको इस वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे आप प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो काइनमास्टर में, ओके। सो गाइस मटेरियल्स का दो लिंक होगा, आप लोग चेक कर लेना। प्रोजेक्ट का जो लिंक होगा अलग होगा और अल मटेरियल्स का जो लिंक होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पे आपको इस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लेना। तो जैसा प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे, इस प्रकार से ये दिखाई देगा, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। सो गाइस आपको करना क्या, जैसे प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लोगे आपको तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है। आगे आने के बाद यहाँ पे आपको कट लगा देना है, इस प्रकार से 28 सेकंड पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। और कैसे आइकन पे क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करके कट लगाना है, ओके। फिर आपको इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है इस प्रकार से। सो डिलीट करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है और इसको 1 सेकंड के आसपास रख लेना, ओवरऑल जितना हिसाब से अपने हिसाब से रख लेना, 1 सेकंड के आसपास, मेरे हिसाब से 1 सेकंड के आसपास रखना। फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ पे अपनी फोटो को एडिट कर लेना। जो भी फोटो आप एडिट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ओके। तो जो फोटो मैंने यूज़ किया वीडियो में, अगर ये सब फोटो डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ओके। सो गाइस यहाँ पे आपको फोटो एडिट करना है। आपको कितना फोटो एडिट करना है, आपको 27 इमेज के आसपास एडिट करना है, 27-28 इमेज। तो यहाँ पे आप एडिट कर लेना, ओके। तो मैं अपनी फोटो को पहले एडिट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने 27-28 फोटो सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको भी अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसका सिंपली आपको शुरू में आ जाना है, मतलब जहाँ पे हमारा इमेज स्टार्ट हो रहा है ब्लैक स्क्रीन के बाद, यहाँ पे आपको आ जाना है। और यहाँ पे आपको फोटो सेलेक्ट कर करके आगे जाना है और बीट मार पे अपनी फोटो को ट्रिम कर लेना है। इस प्रकार से स्लाइड करके भी कर सकते हो, या तो आप इस प्रकार से कैसे आइकन पे क्लिक करके भी कर सकते हो, ओके। तो जैसा आपको अच्छा लगे इस प्रकार से आप ट्रिम यहाँ पे कर लेना, इस प्रकार से इन सभी फोटो को, ओके। सो इधर जितना ही फोटो हमने एड किया है सभी को हम बीट मार के हिसाब से यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे। अगर फोटो बचता है तो आप डिलीट कर देना, अगर घटता है तो और भी फोटो यहाँ पे एड कर लेना, ओके। तो गाइस मैं यहाँ पे सही फोटो को पहले यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो गाइस आप 28-28 फोटो को सिलेक्ट करना, तब हो जाएगा, ओके। तो मैंने 28 फोटो डिलीट मतलब एड किया था, लेकिन एक फोटो मैंने डिलीट कर दिया था। सो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस प्रकार से ट्रिम कर लेना है, ओके, इन सही फोटो को। उसके बाद शुरू में आ जाना है। शुरू में आने के बाद आपको इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, जो शुरू में हमारा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसको सिलेक्ट करना है। रिप्लेस वाले आइकन पे क्लिक करना है और इस वाले लिरिक्स वीडियो को यहाँ पे एड कर लेना है। सो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, ओके। तो यहाँ पे इसको आपको ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है ये आप लोग देख सकते हो, ये वाला फ़ोटो, इस पर आपको क्लिक करना है और रिप्लेस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अपना कोई भी फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो भी फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हो। तो मैं इसी को ऐड करूँगा, बिकॉज मैंने इसको उधर ऐड नहीं किया था।
ओके तो यहाँ पे आप अपना फोटो को एडिट कर लेना, इसमें जो भी इफेक्ट सब लगाए वो आपके फोटो में लग जाएगा। सो गाइस इतना करने के बाद आपको सिंपली क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना है, दो क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना है, हेलोवीन पार्टी और कॉलमी डीजे। ओके तो हेलोवीन पार्टी कॉलमी डीजे आप बीटसिंस ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो, वैसे अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो तो आपके पास पहले से ही होगा। तो आपको करना क्या है, अगर बीटसिंस ऐप से अगर डाउनलोड करना नहीं जानते हो तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप बीटसिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या करना है, पहला फोटो जो हमारा यहाँ पे 28 सेकंड पे, इस फोटो को सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाके आपको हेलोवीन पार्टी से यहाँ पे 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ओके फिर अगला जो फोटो है इसमें आपको कॉल मी डीजे से सिंपली 2 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करते रहना है। ओके फिर एक फोटो में हेलोवीन पार्टी से यहाँ पे 10 नंबर वाला सिलेक्ट करना है। ओके फिर अगला फोटो में आपको कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला सिलेक्ट करना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते रहना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आगे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट करेंगे, सेम टू सेम एंड मतलब एंड तक ऐसा नहीं करेंगे। ओके तो यहाँ पे यहाँ पे हम इधर मतलब ऐसे ही करेंगे, एक फ़ोटो में हेलोवीन पार्टी और दूसरा में कॉलमी डीजे से क्लिप ग्राफिक्स को एड करेंगे। ओके लेकिन हम यहाँ पे चेंज करेंगे जब हम यहाँ पे आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे आओगे 32-33 सेकेंड पे, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, फिलहाल हम इधर से एड करते आ रहे हैं, इसमें हमने कॉलमी डीजे से एड किया है। ओके सो आगे हम क्या करते हैं, इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसमें आपको हेलोवीन पार्टी सेलेक्ट कर लेना है, 32 सेकंड पे जो फोटो है। ओके फिर जो अगला फोटो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉलमी डीजे, लेकिन क्लिप ग्राफिक्स हम वही एड करेंगे, 10 नंबर वाला और 2 नंबर वाला। ओके सो इस बात का ध्यान रखना। फिर आगे क्या करना है, आपको 33 सेकंड पे जो फोटो आ रहा है 33.4 सेकंड पे, यहाँ पे आपको इन दोनों फोटो में आपको हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है। ओके सो आपको इन दोनों फोटो में हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर सेलेक्ट करना है, और अगला जो फोटो है इसमें आपको कॉलमी डीजे से 2 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अब उसी प्रकार से एड करना है, एक फ़ोटो में हेलोवीन पार्टी और दूसरा फोटो में कॉल मी डीजे। ओके इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, इधर इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एड करना है, इधर आपको इसी प्रकार से एड करना है। सो इधर आपको इसी प्रकार से एड करना है, एक फ़ोटो में कॉल मी डीजे, दूसरा में आपको हेलोवीन पार्टी सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको अच्छे से बीट के हिसाब से मैच करा के एड करना है, कहीं पे मतलब कहीं कहीं पे कुछ मत डाल देना, अच्छे से जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया उसी प्रकार से आप एड करना। ओके सो आपको इधर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ओके इस प्रकार से एड करना है। वैसे तो जो फोटो छोटा है उसमें हमारा जो हेलोवीन पार्टी लगेगा और जो बड़ा है उसमें कॉल मी डीजे लगेगा। ओके तो इस प्रकार से ध्यान देना। उसके बाद आपको लास्ट में ऐसा करना है, आपको क्या करना है, लास्ट में जो हमारा फोटो है यहाँ पे 44 सेकंड पे, इसमें और उसके बाद जो अगला फोटो है, इन दोनों फोटो में हमारा हेलोवीन पार्टी से 10 नंबर सेलेक्ट होगा लगातार दो इमेज में। ओके और उसके बाद जो एक फ़ोटो रहेगा, सो इधर जो फोटो रहेगा इसमें भी आपको यहाँ पे एड करना है, इधर जो फोटो रहेगा इसमें आपको कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना। ओके उसके बाद इधर जो मैंने आपको बताया उसी प्रकार से आप क्लिप ग्राफिक्स एड करना। ओके और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना, जहाँ पे आपका फ़ोटो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 26 सेकंड पे, यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, और सिंपली आपको वही लिरिक्स वीडियो मतलब टेम्पलेट वीडियो को एड करना है जो हमारा लिरिक्स वीडियो पे है। सो इस टेम्पलेट का जो लिंक है वो ऑल मटेरियल्स वाले फाइल में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ओके तो आपको सिंपली इस वाले जो है ना टेम्पलेट वीडियो को यहाँ पे एड कर लेना है। ओके तो आपको यहाँ पे एड करना है और यहाँ पे नीचे आना है, स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके और इसका ब्लेंडिंग में जाके सिंपली आपको स्क्रीन कर देना है। ओके स्क्रीन करने के बाद इसका एपेसिटी अगर घटाना चाहते हो घटा सकते हो, नहीं तो मैं तो नहीं घटाऊंगा। ओके इसका जो है ना ऑडियो म्यूट कर देना, और है तो नहीं तो कोई बात नहीं, इसका एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस को थोड़ा सा घटा देना। ओके डन, जैसे आप इतना कर लोगे आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपका वीडियो बन जाएगा। ओके सो गाइस फिर आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।